अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 4 जो है फाइनेंशियल अरिथमेटिक की एक्सरसाइज। हमने स्टार्ट की हुई थी 4.6, लास्ट टाइम हमने इसका क्वेश्चन नंबर 3 किया था। आज हम इसका जो क्वेश्चन करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 4। अगर आप क्वेश्चन नंबर 4 के स्टेटमेंट की तरफ आएँ तो आपके पास क्या चीज़ गिवन है, द मार्केट प्राइस ऑफ एवरी आर्टिकल वॉज रिड्यूस्ड बाई 12%, मतलब जो भी मार्केट प्राइस है वो उससे 12% उसकी वैल्यू कम हो गई है। इन सेल एट अ स्टोर, ठीक है, अ कैश कस्टमर वॉज गिवन अ फर्दर 10% डिस्काउंट। जो कैश कस्टमर है जिसने आगे किसी को परचेज कर दिया है वो आर्टिकल, तो उसने मज़ीद उससे 10% डिस्काउंट दे दिया है। वॉट प्राइस वुड अ कैश कस्टमर पे फॉर एन आर्टिकल मार्क्ड इनिशियली एज ₹2000, ठीक है, उन्होंने कह दिया कि आपके पास जो मार्केट प्राइस, उन्होंने जो मार्क इनिशियली प्राइस बताई है वो है हमारे पास 2000, और आपके पास उन्होंने 12% रिड्यूस हो गई थी मार्केट वैल्यू उससे सबसे पहले। उसके बाद जब उसने किसी और को वो आर्टिकल सेल किया तो उसने 10% उन्हें डिस्काउंट के साथ सेल किया। तो अब हमारे पास इस क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ गिवन है, अब देखें आपके पास क्या चीज़ गिवन है। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा ये 4, हमारे पास ₹2000 गिवन है। 2000 हमारे पास क्या है, इनिशियल मार्क प्राइस, इन्होंने कहा लिखा हुआ ना मार्क्ड इनिशियली, तो इसका मतलब है हम इसे लिखेंगे इनिशियल मार्क्ड प्राइस कितनी बन रही है ₹2000, ठीक है, आपके पास कितनी है इनिशियल मार्क प्राइस ₹2000, इस पर उसे उन्होंने दिया है 12% रिड्यूस कर दिए हैं, मतलब कि मार्केट प्राइस जो प्राइस जो चीज़ थी 2000 की, तो पीछे से ही मार्केट प्राइस उसकी कम हो गई है, 12% उसे डिस्काउंट हो गया है, मतलब रिड्यूस कर दिया उसकी। उसके बाद जाके जितने भी प्राइस बनेगी उस पर हमने उसे वो दूसरे इंसान को वो चीज़ सेल करनी है, वो भी 10% डिस्काउंट के साथ। तो सबसे पहले हमारे पास कितने परसेंट रिड्यूस हुई है प्राइस वो लिख लेते हैं, परसेंट रिड्यूस्ड प्राइस कितने परसेंट रिड्यूस हुई है 12%, ठीक है, हमारे पास जो प्राइस रिड्यूस हुई है वो है 12%। इसके बाद अब आपने क्या करना है कि फाइंड करना है कि अगर आपके पास 2000 रुपीज़ है, इस पर अगर मैं 12% कम कर देती हूँ तो ये देखें आपके पास क्या आएगा। अगर मैं 2000 को मल्टीप्लाई करती हूँ, 12% रिड्यूस कर रही हूँ, तो 12/100, परसेंट को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं 100 के साथ। अगर मैं इसको इसके साथ कैंसिल कर दूँ तो मेरे पास आ जाएगा 240, मतलब कि 2000 में से 240 रुपीज़ प्राइस कम हुई है, तो मेरे पास जो उसकी प्राइस आ जाएगी किसकी, जो टोटल प्राइस जितने पे वो अब शॉपकीपर जितने प्राइस पे वो चीज़ सेल करेगा, अब आप लिखें 2000 में से माइनस कर दे जितना भी आपके पास ये आया है रिड्यूस, हमने करके वैल्यू निकाली है कितनी बन रही है 240, तो मेरे पास जो बनेगी इसकी 2000 माइनस 240 क्या हो जाएगा आपके पास आ जाएगा, अगर मैं इसमें से 240 माइनस कर देती हूँ तो आपके पास 1760, ठीक है, आपके पास बनेगा 1760 इन रुपीज़। ये हमने क्या चीज़ फाइंड की है, रिड्यूस 12% रिड्यूस करने के बाद जो हमारी ओरिजिनल प्राइस बनी थी मार्केट प्राइस वो है 1760, इसे लिख दे मार्केट प्राइस रिड्यूस करने के बाद जो बनी थी, ये अब हमारे पास इसकी मार्केट प्राइस बन गई है। अब इतने प्राइस पे वो कस्टमर की जो मार्केट वैल्यू है उस चीज़ की इतनी है, अब उसने ये चीज़ आर्टिकल किसी दूसरे इंसान को सेल करना है, तो अब जब वो सेल करेगा, इन्होंने कहा है कि जब वो सेल करता है तो 10% इसमें से डिस्काउंट देता है, तो अब हमारे पास क्या चीज़ गिवन है, डिस्काउंट गिवन है परसेंटेज
डिस्काउंट है वो कितना है, परसेंटेज डिस्काउंट इक्वल्स टू 10%। ठीक है, 10% पे हमारे पास परसेंटेज डिस्काउंट आ रहा है। अब मैंने आपको फॉर्मूलाज बताए थे, पहले कहा था जब भी आपके पास परसेंटेज डिस्काउंट यूज़ हो तो हमने परसेंटेज डिस्काउंट का फॉर्मूला लगाना होता है। वो फॉर्मूला हमारे पास क्या है, वो फॉर्मूला है आपके पास परसेंटेज डिस्काउंट इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं साइड, चलिए मैं आपको इधर ही लिख देती हूँ, एज वी नो दैट, फॉर्मूला क्या है हमारे पास, परसेंटेज डिस्काउंट इक्वल्स टू डिस्काउंट डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस, डिस्काउंट डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, मैंने कहा था जब भी आपके पास परसेंटेज डिस्काउंट की बात हो तो आपने परसेंटेज डिस्काउंट का फॉर्मूला लगाना है। अब मैं क्या करूँगी, इसमें वैल्यूज़ को पुट करूँगी और फिर देखती हूँ कि मेरे पास इसका जो आंसर बनता है वो क्या आता है। हमारे पास डिस्काउंट तो है नहीं है, डिस्काउंट हमने इसमें से फाइंड करना है। परसेंटेज डिस्काउंट की वैल्यू है वो है 10, तो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले लिखूँगी पुटिंग वैल्यूज़ 10 इक्वल डिस्काउंट, फाइंड करना है इसलिए इसको वैसे ही लिख दूंगी, डिस्काउंट डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस। अब मेरे पास क्या आई थी, जो कि मैंने रिड्यूस करने के बाद जो फाइंड की थी वो मेरे पास ओरिजिनल मार्केट प्राइस आई थी, वो कितनी है 1760 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, ये वाला ज़ीरो तो इस ज़ीरो से कैंसिल हो गया, ये वैल्यू इसके साथ ये मल्टीप्लाई हो रही है, ये देखिए ये वाली वैल्यू डिवाइड हो रही है और ये पूरी इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है, तो ये 10 उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो आपके पास रह गया है जस्ट डिस्काउंट ओवर 176। अब आपके पास क्या है, इधर डिस्काउंट मैंने सेपरेट करना है तो ये वैल्यू इसके नीचे डिवाइड हो रही है और इक्वल के दूसरी तरफ जाएगी तो क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, 176 मल्टीप्लाई बाय 10 ओवर 10 इक्वल्स टू डिस्काउंट, ये तो कैंसिल हो गया, क्या रह गया 171। तो मेरे पास जो डिस्काउंट बना है उसके ऊपर वो बना है 176 इन रुपीज़। ठीक है, डिस्काउंट आपके पास जो बना है वो है रुपीज़ 176। अब उन्होंने क्या कहा है क्वेश्चन में कि आपने फाइंड क्या करना है, आपने जो फाइंड करना है क्वेश्चन में वो है व्हाट प्राइस वुड अ कैश कस्टमर पे फॉर एन आर्टिकल, मतलब कि हमने यहाँ पे जो फाइंड करनी है वो फाइंड करनी है इसकी सेलिंग प्राइस के कितने प्राइस पे उसने ये चीज़ बेची है। तो सेलिंग प्राइस का जो आपके पास फॉर्मूला होता है जिसमें डिस्काउंट भी यूज़ करते हैं वो है हमारे पास, वो फॉर्मूला जो है वो है आपके पास डिस्काउंट इक्वल्स टू मार्केट प्राइस माइनस सेल प्राइस। कौन सा फॉर्मूला है आपके पास, मैं आपको इधर लिख देती हूँ, डिस्काउंट इक्वल्स टू मार्केट प्राइस माइनस सेल प्राइस। ठीक है, अब हमने ये वाला फार्मूला लगा के फाइंड करना है कि हमारे पास जो इसकी सेल प्राइस है वो क्या होती है। तो अब हम करते हैं, ये फार्मूला लगाते हैं और फिर इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं कि हमारे पास क्या है। ये क्या फार्मूला है आपके पास, एज वी नो डैट डिस्काउंट किसके इक्वल है, डिस्काउंट इक्वल्स टू मार्केट प्राइस माइनस सेल प्राइस। अब हमने क्या करना है, इसमें वैल्यूज पुट कर देनी है, पुटिंग वैल्यूज, डिस्काउंट अभी हमने फाइंड किया है वो हमारे पास कितना आया है 176 आया है।
ठीक है, ये मैंने लिख दिया 176. मार्केट प्राइस मेरे पास कितनी थी जो हमने फाइंड की थी, 1760 माइनस सेल प्राइस तो हमने फाइंड कर ली है. तो अब मैं सेल प्राइस को यहीं पे रहने दूंगी. इसके साथ ये वाली जो टर्म है ये क्या हो रही है, ये इसके साथ हो रही है प्लस. ठीक है, इसके साथ कोई साइन नहीं है. तो क्या साइन होता है, मैंने आपसे कहा था जिसके साथ कोई साइन ना हो उसके साथ प्लस लास्ट में होता है. तो ये वैल्यू इसके साथ हो रही है प्लस, तो जब दूसरी साइड पे आएगी क्या हो जाएगी, माइनस. और यहाँ पे ये माइनस के साथ सेल प्राइस ऐसे ही रहेगी. ठीक है, अब जब मैं इसके अंदर से 1760 के अंदर से माइनस कर देती हूँ, आपके पास क्या है, 1760 में से अगर मैं माइनस करती हूँ 176, तो मेरे पास जो इसका आंसर आता है वो आता है 1584 इक्वल्स टू माइनस सेल प्राइस. ये वाला माइनस इस माइनस से कैंसिल, तो मेरे पास सेल प्राइस क्या आ गई है, रुपीस 1584. ठीक है, ये है हमारी सेल प्राइस, जो आर्टिकल की प्राइस सबसे पहले 12% रिड्यूस की, मतलब कम हुई. उसके बाद जब सेल पर्सन जो भी है कस्टमर, कैश कस्टमर था, उसने जब इसको सेल किया तो उसकी जो सेल प्राइस थी वो थी हमारे पास 1584 रुपीज़. इस तरह आपके पास आज हो गया है इस एक्सरसाइज 4.6 का क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट.